प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश का चिकित्सा विभाग कोरोना संक्रमण को रोकने और पॉजिटिव मरीजों के इलाज में मुस्तैदी से लगा हुआ है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गया, इस दौरान शहरी क्षेत्रों से बाहर के उद्योगों को शुरू किया गया है। छूट के साथ लागू किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर इसका दुरुपयोग किया, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, अगर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हुआ तो ये वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली किसानों की फसल का प्रिक्योरमेंट टाइमली हो जाए, किसानों को अगली फसल के लिए खाद बीज फर्टिलाइजर्स वो मिल जाए, नरेगा में लोगों को मजदूरी मिल जाए, और जो ये सप्लाई चेन है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चालू रहे, ताकि रिटेलर्स के पास पर्याप्त सामान आता रहे, वो चैन नहीं टूटे। होम डिलीवरी पे जोर दिया गया ताकि घर घर जाके लोगों को होम डिलीवरी कर दें, खाने को भी होम डिलीवरी के रूप में दे दें। कुछ छूटें दिए, लेकिन वो छूटें इसका मतलब ये नहीं है। हमने जो मेहनत की है पिछले दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन के माध्यम से, जिससे हमने कंट्रोल करने में कामयाबी भी हासिल की है, कुछ पॉजिटिव केसेस जितनी ज़्यादा जाँचें हमने की है, पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन स्थितियां हमारे कंट्रोल में है और ये आगे भी कंट्रोल में रहेगी, ये बात हम सुनिश्चित कर